जनमत की पुकार में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा, विपक्ष की एकता ही मेरी इच्छा है। सम्राट अशोक की जयंती पर नीतीश कुमार ने किया माल्यार्पण। पटना के सम्राट अशोक के कन्वेंशन हॉल स्थित महान शासक सम्राट अशोक की जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर समेत सरकार के कई मंत्री शामिल हुए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर समेत तमाम मंत्रियों ने सम्राट अशोक की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान पत्रकारों से मुख्यमंत्री ने विपक्षी एकता की बात की। उन्होंने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग एक साथ आए और वर्ष 2024 को लोकसभा चुनाव पूरी मजबूती से लड़े। राहुल गांधी की सदस्यता रद्द होने पर सीएम नीतीश ने कहा कि हम जब से राजनीति में हैं, हमने कभी कोर्ट के बारे में कभी कमेंट नहीं किया। अगर किसी पर मुकदमा होता है तो उस पर भी हमें कमेंट नहीं करते। वहीं बिहार में भाजपा छोटे दलों के अपने साथ लाने में लगी है, जिससे संबंधित प्रश्न पर मुख्यमंत्री ने कहा कि उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा में भेजा था, इस दफा भी फिर आए तो बोले कि साथ रहेंगे, लेकिन फिर कहीं चले गए, उनकी मर्जी। सुनिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने और क्या क्या कहा है। कि सम्राट अशोक जी के आज जो एक मनाया गया, कुछ साल पहले से हम लोगों ने तय किया अष्टमी के दिन, और पूरा एक दिन की छुट्टी दी जाती है, और यहीं पर एक, अब वैसे तो उनका कोई मूर्ति नहीं है, रूप में आप जरा गौर से देखिए, दो हिस्सा किया गया। पहले वो पूरा का पूरा लड़ाई लड़ के कब्जा कर रहे थे, अब बाद में उनको आ गया, तो यही दो हिस्सा में करके नई मूर्ति बनाई गई है, ये कहीं और नहीं आपको मिलेगा। तो ये बना करके नीचे भी देखिए फूल लगा हुआ है, और उसमें भी आप देखिएगा सम्राट अशोक। तो ये सब तो पिछले साल ही हमने घोषित कर दिया था कि अगले साल से हम लोग इनकी जयंती को भी मनाएंगे सरकारी तौर पर। वैसे तो हर बार आ ही जाते थे अपना यहाँ माल्यार्पण करने के लिए, इस बार तो उसको हमको कर दिया गया है। और आप जानते हैं हमने तो इनका सम्मान इस जिले को दिया था, सम्राट अशोक कन्वेंशन केंद्र, आप जानते हैं हम सबसे पहले तक ज्ञान भवन बनाए, फिर बापू सभागार बनाए, ये सब चीज बनाए, लेकिन इनका नामकरण हमने कर दिया उनके नाम पर। इसीलिए ये सब चीज तो खैर किया ही है, कर रहे हैं, ताज आए हैं, और पिछली बार भी आप लोग पूछ रहे थे, बता ही दिए थे, ताज आए हैं। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, आप भारी संख्या में यहाँ मौजूद हैं। सर, राहुल गांधी खत्म हो गई, एक एक बात सुन लीजिए आप लोग, और पूछे पालों से कुछ सुनिए, कोर्ट के बारे में, किन्हीं के बारे में कोई होता है, आप सोच लीजिए, हम जब से और जब किसी पर कोई मुकदमा होता है तो उस पर भी हम नहीं कमेंट करते, भाई हटाइए ना जी, हमारा शुरू से ही है। अब हम ही पर कोई करता तो हम कुछ बोलते हैं, तो मेरी आदत है कि इन चीजों पर हम कमेंट नहीं करते हैं। और बाकी सब लोग तो जानते हैं, पार्टी वार्टी सब लोगों का तो राय आकर के कहता ही है, लेकिन हम कहते कि चलिए इस सब पर क्या बोलना है, तो जो कुछ भी होगा उसके बारे में सब लोग मिलकर के करेंगे। अब आप तो जान ही रहे हैं ना, तो बाकी जो कुछ भी होता है तरफे तक कोर्ट का कोई फैसला होता है तो सबको अधिकार है ना भाई कोर्ट में भी जाने का, तो वो तो एक अलग चीज है, इसलिए उस पर हम इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहे हैं। हम कोई कम हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे, लिखिएगा मत, याद रखिए, आप लिखना भी चाहिएगा तो आपको छोड़ देगा, हटा, इसलिए कहा है हम तो प्रेम में आप लोगों से बात करते हैं, हम लोगों का आप लोगों के प्रति हमेशा प्रेम का भाव है, आप कुछ भी लिखिएगा हमको उससे कोई मतलब नहीं, जानते हैं ना भाई कि आप पर आजकल कब्जा किए, तो निजी तौर पर आप लोग का बहुत अच्छा मानते हैं, इसलिए आप चिंता उनता मत करिए, हम कभी कभी नहीं तो कह रहे हैं बोलिए नहीं रहे, बोलिए नहीं रहे, अरे क्या कहे आपको, तो इतना बात ना, इतना दिन बोले ही रहे हैं, आप फिर जब ठीक होगा तब फिर आपके सामने बोलेंगे,
तो इसलिए बाकी तो अभी हाउस चल रहा था तो उसी में हम सब लोगों का सुनते हैं। सम्राट चौधरी ने एक अन्य मार्ग में जाने का प्रण लिया 2024-25 में, क्या सर ये प्रण पूरा हो पाएगा? ये लोग कह रहे कि प्रण ले लिए, अभिनंदन समारोह होगा 2025 में एक अन्य मार्ग में हम लोग। क्या चीज सब का हम ध्यानों देते हैं, अब आप सोच न लीजिए। आपको तो एक कह दिए नहीं कौन किया कौन लाया, अब कौन क्या बोलता उसका कोई वैल्यू है? अब उस पर कोई कमेंट करके उसका हम महत्व देंगे, उसको जो मन में आवे बोलता रहे। तेजस्वी पिता बन गया सर, आप बहुत अच्छा, उसको बधाई दे दिए। उसका सुबह में जैसे ही हुआ है तुरंत खबर मिली, तुरंत हम बधाई बधाई सब दे दिए उसी दिन। बहुत खुशी की बात है सर। सर छोटे दल जो आपके विरोध में है भाजपा उसको अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है। कौन छोटे दल जो आपके विरोध में है बिहार में भाजपा उनको अपने साथ लाने की कोशिश कर रही है? कौन छोटे दल? जैसे कि उपेंद्र कुशवाहा हो, चिराग पासवान हो, सभी को आपके खिलाफ, उपेंद्र कुशवाहा को आप जानते हैं हम शुरू में साथ में था, उसको क्या बनाए भाग गया, अब फिर उसको लाके बना दिए राज्यसभा में, अब फिर भाग गया, अब फिर आकर के इस बार आया। हम कह रहे थे कहाँ तद जी ना हम कभी नहीं जाएंगे, फिर बाकी है तो कोई मतलब है? आ दूसरा आदमी का नाम ले रहे हैं, कहाँ था बताइए ना, कौन पार्टी में था? आरजेडी में, और उसके बाद वहां छोड़ करके आ गया आपको जेडीयू में, आप चला गया है उधर, ये सब का कोई मतलब? अब आप जा करके लोगों से पूछिए, लेकिन आप लोग बेचारे पूछिएगा अभी तक कैसे छापिएगा, नहीं छापिएगा। आप लोग बुलंद रहिए, कोई बात नहीं, एकदम मस्त रहिए, यहाँ काम होगा, कोई झंझट नहीं होगा। अब बाकी जनता मालिक है, जो फैसला करे। तारीफ होता है, सब लोग अपना ही तारीफ करने में लगे हुए हैं। पहले का जो काम जितना हुआ है हम लोग उसकी तारीफ, उनकी तारीफ करते हैं। अब लोग कोई तारीफ करता है तो हम तो श्रद्धेय अटल जी का और उस समय के जो काम का तारीफ करते हैं, कितना बढ़िया था। उन्होंने कभी किसी से कोई झगड़ा किया? हिंदू मुस्लिम सबके पक्ष में वो एक साथ रहते थे, तो हम लोग उनके तारीफ में बोलते रहते, तो हम लोग साथ में थे। तो आजकल कोई बोलते हैं तो कोई मतलब है जी? कब के है? अरे हम लोग तो इन लोगों के साथ सब कुछ किए, तो ये लोग बाद में आ करके अब क्या कर रहे हैं वो जाने, अपना प्रचार पूरा कर रहे हैं। अरे आप बताइए ना भाई, एक बार आप बताइए, हम तो अलग हो गए थे तो एक बार, तो फिर तो इन पर जो केस तेस हो गया हम पूछे, वो हमको फिर उधर लिया। अच्छा 5 साल में तो कुछ नहीं हुआ, अब फिर उस साथ हो गए हम लोग, तब फिर उन पर चल रहा, तब देख न रहे जी। तो ये मामला क्या है, ये सब आप लोगों को देखना चाहिए। और हम लोग सोच लीजिए खाली विकास का काम करते हैं, जनहित में काम करते हैं, हम सबके हित में काम करते हैं। और हम ही नहीं कहते हैं कि भाई काम करते हैं तो आप हमको वोट, हम कभी नहीं कुछ बोलते, हम कहते हैं कि करिए जितना काम किए। तो आज कल तो खूब करवाता न है जी, कोई साथ आता है भागता है और उसका तरह तरह की बात करता है, तो कोई मतलब है? अच्छा आप देख लीजिए दिल्ली वाले में या बाहर वाला, तो हम तो रोज रोज देखते हैं। तो ये जो हम लोग बिहार में कितना काम करते हैं वो खबर नहीं रहता है, और कोई हमारे खिलाफ बोलता है खूब खबर छपता है, तो इससे क्या मतलब? हम तो हंसते रहते हैं, हमको कोई तकलीफ नहीं। इसलिए आप जो कमेंट पूछ रहे हैं उनके बारे में, तो वो तो जो बोलेंगे तो उनको तो खूब पब्लिसिटी मिलेगी, तो हमको क्या जरूरत है कुछ बोलने का? जो मन में करे करे, लेकिन कोई काम उम नहीं हो रहा, खाली प्रचार हो रहा है। सम्राट इसको क्या मिलता है अपना जाने ना भाई, इसको क्या मिलता है? आप जान रहे हैं कि यहाँ पर जो सब कुछ किया गया है, सम्राट अशोक का सब कुछ किया गया है, तो ये कौन किया है? अब आज भी जो मीटिंग है तो वही लोग ना हमसे करवाया जी, यूपी बिहार सब जगह का था, आ करके कहा एक एक बात हुआ, आज फिर वो मीटिंग कर रहा तो उसमें हम शामिल होंगे उन लोगों के साथ। तो ये सब चीज तो अलग है जी, अब बाकी लोग अपने तरफ से कुछ भी करते रहता तो कोई मतलब है जो किया गया है? आज जरा एक एक चीजवा को देखिए ना,
ये सब में कौन है? हम कोई कमेंट आप देख लीजिए कभी भी मेरा, तो ये नहीं खाली और कभी भी कभी किसी का मुकदमा होता है, झगड़ा होता है, कोई केस करता है, तो उसमें भी हम इंटरफेरेंस नहीं करते। हम इतने दिन से 17 साल से सरकार चला रहे हैं, तो आप बोलते हैं कि जब किसी की जांच होती है तो हम उसमें इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। खाली हम यही सबको पहले से ही कहते हैं बहुत ठीक ढंग से जांच होना चाहिए। इसलिए इन चीज़ों पर मेरी कभी कोई प्रतिक्रिया नहीं होती है, आप गौर से देख लीजिए। इसीलिए आप लोग पूछ रहे थे तो हम इसलिए नहीं कुछ बोले कि क्या बोले, इस पर हमारे लिए कुछ बोलना ठीक नहीं है। लेकिन आप एक बात तो जानते हैं ना भाई कि विपक्ष के अधिक से अधिक लोगों की एकता मेरी इच्छा है ना, और तब से ना हम इंतजारे कर रहे हैं, हम तो इंतजार कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की इच्छा हो जाएगी, एकजुट हो जाएंगे, थोड़ा मजबूती के साथ 2024 का विधान लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे लोग मस्ती से, तो हम तो इसी इच्छा में इसलिए हम चुपचाप बैठे हुए हैं। अब आप जानते ही है कि आप दिल्ली में कितना बार हम 2 राउंड गए, सब लोगों से बातचीत हो गई है, तो हम वेट कर रहे हैं। कांग्रेस ने देरी कर दी क्या सर? अब हम तो वेट ही कर रहे हैं ना, हम इंतजार कर रहे हैं, उनके सब लोगों को तो कह दिए कि आप देख लीजिए, तय कर लीजिए कि अन्य लोगों के साथ मिल करके करना है, तो हम लोग वेट कर रहे हैं, जिस दिन होगा उसी के लिए वेट कर रहे हैं। अनेक जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उसमें तो बहुत लोगों की राय है आपस में, इसका हम वेट कर रहे हैं कि अगर उनकी भी इच्छा हो जाए और ज्यादा से ज्यादा लोग मिल जाएंगे तो और अच्छा होगा, तो हम इसीलिए इंतजार में हैं। तो आप आजकल कुछ बोलते नहीं हैं, देखते हैं, तो हम तो ही करते हैं। हम लोगों का 2 बार मीटिंग था, अलग अलग पार्टियों का, सब पार्टियों का मिलकर, तो उस दिन भी हमें कह दिए थे, तो हम पूछ रहे थे, हम तो इंतजार कर रहे हैं। और हमारी पार्टी के लोग भी जो उन लोगों के साथ किसी तरह की कोई कठिनाई है तो उसके लिए तो बोल ही रहे हैं, हाउस के अंदर, हाउस के बाहर, सब जगह, तो इसलिए ऐसा नहीं है। इसके बारे में सोचना चाहिए मुख्यमंत्री जी, आपने बहुत आज सभी विपक्ष एकजुट हो रहे हैं क्योंकि भ्रष्टाचारियों का जमात लग रहा है। कल प्रधानमंत्री देखिए ना क्या बोलते हैं, वो क्या नहीं बोलते हैं, उनकी आदत सर, तो उसमें हमको क्या करना है, हमको कोई मतलब है? किसको किसको बनाते रहते हैं, देखते नहीं रहते हैं क्या क्या तरह से? वो तो चूंकि आप सब लोगों को एकदम नियंत्रण में कर लिए हैं। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।